हेलो बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों को प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग। हेलो गाइस। अच्छा, मैंने जो है ये तीसरा वीडियो है बच्चों, पैसिव वॉइस में करवा रहा हूँ, उसके अंदर जो ओरली करवा रहा हूँ आपको। ओके, कुछ लिखवा नहीं रहा आपको, सिर्फ बात करके ही आपको बोल करी और आप सुनकर ये वाली बात समझ रहे हैं। पैसिव वॉइस दो वीडियो हो गए, तीसरा वीडियो ये वाला है। अच्छा, अब ये हमें करना है पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव। पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव, पास्ट परफेक्ट टेंस का आपको पता ही है कि पास्ट परफेक्ट टेंस कब लगता है, जरा आप उसका फंक्शन बताओ। पास्ट परफेक्ट ऐसे कामों के लिए लगता है जो भूतकाल में किसी और काम से पहले खत्म हो गए थे। क्या पास्ट परफेक्ट टेंस भूतकाल में ऐसे होने वाले ऐसे कामों के लिए लगता है जो किसी और काम से पहले हो गए थे या किसी दिए गए टाइम से पहले हो गए थे। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर जो पैसिव हम बनाएंगे उसमें वो पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव का, देखो एक्टिव का फॉर्मूला आपको पता ही है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब पैसिव आपने बनाना, थर्ड फॉर्म से पहले बी नॉर लगा देना, बस बी डबल ई एन वाला। ओके, तो सेंटेंस बनाते हैं जरा। खीर बाजार। और पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर एक्चुअली क्या होता है, एक काम आपको दिखाना पड़ेगा कि कोई काम उससे पहले, मतलब कि दो काम दिखाने पड़ेंगे, जो काम पहले हुआ हो वो पास्ट परफेक्ट टेंस में जाएगा, जो काम बाद में होगा वो पास्ट सिंपल में। जैसे मम्मी के पापा के आने से पहले ने मम्मी ने खीर बना ली थी, पापा के आने से पहले मम्मी ने खीर बना ली थी, इसमें मम्मी ने खीर पहले बनाई है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में जाएगा। पापा बाद में आए हैं, ठीक है ना, पापा का आने का काम बाद में हुआ है तो वो पास्ट सिंपल में जाएगा। ओके, तो हम इसको पैसिव में करते हैं कि पापा के आने से पहले खीर बन गई थी, पापा के आने से पहले खीर बन गई थी, बिफोर फादर अराइव्ड, बिफोर फादर अराइव्ड, ये पास्ट सिंपल में जाएगा। बिफोर फादर फादर अराइव्ड, बिफोर फादर अराइव्ड द खीर हैड बीन मेड। खीर बन गई थी या खीर बना ली गई थी, मतलब वही है, ठीक है। बिफोर फादर अराइव्ड द खीर हैड बीन मेड या प्रिपेयर्ड आप लगा दो, ठीक, खीर बन गई थी, खीर हैड बीन मेड या प्रिपेयर्ड, खीर बन गई थी। ओके, तो ये हमारे पास एक, और इसमें क्वेश्चन वगैरह बनाने जरूरत नहीं है आपका, निगेटिव बनाना तो बना लो आप जो है ना, कि पापा के आने से पहले खीर नहीं बनी थी। बिफोर फादर अराइव द खीर हैड नॉट बीन मेड, द खीर हैड नॉट, बिफोर फादर अराइव्ड, बिफोर फादर अराइव्ड पापा के आने से पहले द खीर हैड नॉट बीन मेड, खीर नहीं बनी थी। ओके, अच्छा, आप फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस बना लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट आपको पता ही है, फ्यूचर में होने वाले ऐसे कामों के लिए लगता है जो किसी और काम से पहले या किसी दिए गए टाइम से पहले खत्म हो चुके होंगे। दो काम दिखाने पड़ेंगे, फ्यूचर परफेक्ट अकेला नहीं आता। ओके, तो फ्यूचर परफेक्ट कैसे कामों के लिए होता है, जो काम फ्यूचर में किसी और काम से पहले या दिए गए टाइम से पहले समाप्त हो चुके होंगे। ओके, जैसे पापा के आने से पहले मम्मी खीर बना लेगी, ठीक है, ये तो हो गया एक्टिव वॉइस। पापा के आने से पहले मम्मी खीर बना लेगी, ये तो एक्टिव वॉइस, ठीक है। पापा के आने से पहले ये तो पास्ट सिंपल में रहेगा, बिफोर फादर अराइव्स, फ्यूचर में प्रेजेंट सिंपल लगेगा, बिफोर फादर अराइव्स या फिर बिफोर फादर कम्स, प्रेजेंट सिंपल लगेगा। जब फ्यूचर में आपको वैन वगैरह वाले जो वाक्य होते हैं उनमें फ्यूचर दिखाना होता है तो आपको प्रेजेंट सिंपल लगाना होता है। तो बिफोर फादर अराइव्स, पापा के आने से पहले मम्मी खीर बना लेगी, मम्मी विल हैव मेड खीर। फ्यूचर परफेक्ट का फॉर्मूला पता है ना, मैंने करवा दिए हैं, मैंने वीडियोस आया तो आप नीचे जाके इसमें देख लेना इसके अंदर, ठीक है। तो इसमें कहता है कि क्या फ्यूचर परफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है बोलना जरा। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव करके फिर थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस विल शैल उसके बाद हैव है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और जब पैसिव बनाना हो थर्ड फॉर्म से पहले बीन लगा देना, थर्ड फॉर्म से पहले बीन लगा देना। तो पापा के आने से पहले मम्मी खीर बना लेगी, बिफोर फादर अराइव्स, बिफोर फादर अराइव्स मम्मी विल हैव मेड खीर, मम्मी खीर बना लेगी। इसको ऐसे करके पैसिव में बनाते हैं, पापा के आने से पहले मम्मी खीर बन जाएगी, पापा के आने से पहले खीर बन जाएगी, बिफोर फादर अराइव्स, बिफोर फादर अराइव्स खीर विल हैव बीन प्रिपेयर्ड या मेड, खीर विल हैव बीन मेड, खीर बन जाएगी। बिफोर फादर, और बिफोर फादर अराइव्स आर एंड में भी लगा सकते हैं आप, खीर विल हैव बीन मेड, खीर विल हैव बीन मेड, खीर बन जाएगी बिफोर फादर अराइव्स, पापा के आने से पहले, ठीक है।
और बाकी का आपके सारे टेंसेस के पैसिव हो गए, तो ये तीसरा पार्ट था। ओके बाय बाय, टेक केयर, ओके अपना ध्यान रखना, और यू शुड स्पीक ऑलवेज गुड इंग्लिश। ओके बाय बाय, टेक केयर।